नमस्कार दोस्तों, इंस्पिरेशन एकेडमी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी को देखने वाले हैं वह जीवन में बहुत ही अहम हिस्सा रखती है। इस कहानी का नाम है तितली का संघर्ष। एक बार एक आदमी को अपने गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पाई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मान ली हो। इसलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके, और यही हुआ। तितली बिना किसी और संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घसीटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज़ होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितना हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए, वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी की उड़ान को पॉसिबल बना पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।